होता है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी मसाज बताऊंगी, मुश्किल से हम इसको 2 मिनट करें, हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और एक बहुत अगर सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूं, तो जैसे हम जब सोडा वाटर की बॉटल को खोलते हैं तो जैसे उसमें से एकदम गैस निकलती है, इसी तरह से जो एक्यूमुलेटेड गैस है वो रिलीज़ हो जाएगी और हमें एकदम से आराम मिलेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव मसाज है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि गैस बनती क्यों है, क्या कारण है गैस बनने के। तो सबसे पहली चीज़ कि ज़्यादा खाने से, ओवर ईटिंग करने से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और उसी से ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग हर समय च्युइंगम चबाते रहते हैं, तो च्युइंगम चबाने से भी क्या होता है कि ज़्यादा हवा हमारे पेट में जाती है। एक और कारण है कि बहुत सारे लोग एरिएटेड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं अपनी डाइट में, उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि कारण बनते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का। हर बंदे की अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बहुत सारे लोगों को राजमा, छोले, गोभी, इन सब चीज़ों से बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत सारे लोगों को मटर से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स, जब भी वो दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़ खाते हैं उन्हें बहुत गैस बनने की प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम कारणों की बात कर रहे हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की समस्या। जिन लोगों को रेगुलर कब्ज़ रहता है उन्हें भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं, क्या एक सावधानी बरती जा सकती है, तो सबसे पहली चीज़ कि हम अपनी डाइट फाइबरस रखें ताकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो हमें गैस की प्रॉब्लम, जो कि उसके एक बाय प्रोडक्ट है कॉन्स्टिपेशन का, वो नहीं होगा। दूसरी चीज़, हम ये नोटिस करें कि कौन सी चीज़ खाने से हमें गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो हम उसको अवॉइड करें, या कभी ओकेजनली हमें अगर खाना भी पड़ रहा है तो हम उसके बाद एक जो मैं मसाज आपको बताने वाली हूँ हम उसको करें, या फिर हम खाना खाने के बाद कोई ऐसी डाइजेस्टिव चीज़ लें, या तो हम अजवाइन और काला नमक मिलाकर भी खा सकते हैं, या एक छोटी हरड़ होती है उसको भी खा सकते हैं, तो हमें गैस नहीं बनेगी। एक और चीज़ कि खाना हम बहुत जल्दी जल्दी ना खाएं। अगर हम पानी पी रहे हैं तो पानी भी हम बहुत जल्दी जल्दी ना पिएं। जल्दी खाना खाने से और पानी पीने से क्या होता है कि जो वायु है वो बीच में दब जाती है और वो एक कारण बनती है, क्योंकि वो निकल नहीं पाती तो वो कारण बनती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का, और कई बार उसकी वजह से पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है। खाना खाने के बाद हम थोड़ा टहलें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो जो बीच में हवा फंस गई थी वो रिलीज़ हो जाए और हमारा जो फूड है वो सेटल डाउन हो जाए। खाना खाते ही हमें एकदम बैठना या लेटना नहीं चाहिए। तो ये तो कुछ कारण हुए और प्रिवेंशंस हुई। अब हम बात करेंगे उस मसाज की जो हमें इंस्टेंट रिलीफ दिलाएगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिस समय हो रही है उससे तो इंस्टेंट रिलीफ दिलाएगी ही दिलाएगी, साथ में कुछ लोगों को जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, बस में या कार में सफ़र कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को नौजिया फीलिंग होने लगती है। अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि नौजिया फीलिंग क्यों होती है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि गैस जो है वो हमारे स्टमक में या हमारे फूड पाइप में कहीं स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से घबराहट होने लगती है और एक वॉमिट सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे उस सिंपल सी मसाज को जो हमें गैस की प्रॉब्लम से इंस्टेंट रिलीफ दिलाएगी। ये हमें करनी है अपनी मिडल फिंगर के बैक साइड, पीछे की तरफ, राइट। तो जब हम अपनी मिडल फिंगर को इस तरह से मोड़ लें, अगर तो जो ये बीच वाला पार्ट है इस पर हमें पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट का नाम है GB39। गॉल ब्लैडर का 39th पॉइंट है। इसकी लोकेशन आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये इसकी लोकेशन है। अपनी हम मिडल फिंगर में बिल्कुल सेंटर से, नेल के नीचे सेंटर से एक लाइन खींचे
तो हमें ये पॉइंट मिलेगा सबसे ऊपर वाले जॉइंट के थोड़ा सा नीचे। आप यहाँ देख के इसकी लोकेशन समझने की कोशिश कीजिए। ये हमें लेफ्ट हैंड में भी मिलेगा और हमारे राइट हैंड में भी मिलेगा पॉइंट। हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर हम या तो इस प्रोब की हेल्प से प्रेशर दे सकते हैं। अगर हमारे पास ये प्रोब नहीं है, प्रोब तो कोई भी पेन की बैक साइड से आप प्रेशर दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है और हमारे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हम अपनी दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से हुक बनाएंगे। उसको हुक बनाने का मतलब है थोड़ा टाइट करेंगे एंड इस पॉइंट पर रखें थंब को नीचे एंड ऊपर फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को। आप चाहें तो इस तरह से मसाज कर सकते हैं सर्कुलर, एंड चाहें तो सिंपल डीप प्रेशर दें एंड उसको रिलीज़ करें। इस तरह से 2 से 3 बार आपको प्रेशर देना है और रिलीज़ करना है। और एक आपको मैंने सर्कुलर बता दिया है इस तरह से। सेम इसी तरह से फिर हम अपने लेफ्ट हैंड का हुक बनाएंगे एंड राइट हैंड में जो मैंने आपको पॉइंट बताया है वहाँ पर प्रेशर देंगे और सर्कुलर मसाज करेंगे। आपको इंस्टेंट जो गैस फंस गई थी उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। जो मैंने आपको दूसरी बात बताई कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो कई बार हमें अनईजी लगना शुरू हो जाता है, तो जब हमें अनईजी लगना शुरू हुआ है तभी अगर हम इस बीच वाले, अगर आप पॉइंट भूल गए हैं कोई बात नहीं, आप सिर्फ यहाँ बीच में पूरे में ही प्रेशर दे लीजिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर मरीडियन अपने में बहुत इफ़ेक्टिव है, राइट। इस तरह से जब आप प्रेशर देते रहेंगे लेफ्ट हैंड में भी एंड राइट हैंड में भी, आपको उस नौजिया फील से एकदम रिलीफ मिलेगा। हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम सर्जिकल टेप लें एंड उस पर एक मेथी दाना लगाएं, मेथी दाना जिसको कि हम फेन्यूग्रीक सीड भी कहते हैं। इसको हम, ये जो हमारा पॉइंट है उस पर हल्का सा प्रेशर देकर अप्लाई कर दें, अपने लेफ्ट हैंड में भी एंड राइट हैंड में भी। तो जो एक हमारी टेंडेंसी बन गई है कि हमें हर समय गैस बनती रहती है, हमें उससे भी, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म करेंगे तो हमें उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये ट्रीटमेंट हम हर रोज़ रात को लगाकर सो जाएं एंड सुबह हटा दें। करीबन 8 से 10 घंटे हम इसको लगाकर रख सकते हैं। अगर आपको ये मसाज अच्छी लगी है तो आप इसको और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि जब भी ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ इसको एक बार यूज़ ज़रूर कीजिए। खाली देख लेने भर से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंस्टेंट काम करती है। मैंने इसको बहुत सारे लोगों के साथ यूज़ किया है एंड सेल्फ अपने लिए भी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मेरे पास हैं इसके, इसलिए मुझे लगा कि ये मसाज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप और वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। हमारे ऐप का नाम डिवाइन केयर है, आप इन वीडियोस को वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। वेबसाइट और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं।